आज लखनऊ में पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा 35वीं वाहिनी के पीएसी परीक्षा गृह में करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को उनके विषय के संबंध में जानकारियां प्रदान की गई। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा कि प्रतियोगी छात्रों को ऐसे कार्यक्रमों से तैयारी करने में बड़ी मदद मिलेगी। कार्यक्रम में मेधावी बच्चे जो विगत एक वर्ष में सरकारी सेवाओं में चयनित हुए हैं उन्हें भी सम्मानित किया गया। बच्चों को एक मार्गदर्शन मिलेगा, एक नई दिशा मिलेगी। जो बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें 9th 10th में क्या करना चाहिए या 12th के बाद हमें किस दिशा में जाना चाहिए, किस चीज़ की कंपटीशन देना चाहिए। तो इससे जो बात अभी पहले कही गई थी कि पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज करते हैं या बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि नहीं तुम मेडिकल में जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ या किसी सिविल सर्विसेज में जाओ, तो उसके लिए ये बच्चों के ऊपर डिपेंड मतलब खुद बच्चों को छोड़ देना चाहिए। पेरेंट्स से मेरी यही एक विनती है कि बच्चों को उनके क्षमता के अनुरूप ही उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करें।